गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल बागपत, स्टैंडर्ड 10th, सब्जेक्ट SST, यूनिट हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। द 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। 1830s का जो दशक था, उस दौरान यूरोप में बहुत सारी आर्थिक समस्याएं पैदा हुई। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सो एन इनॉमरस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। 19th सेंचुरी के जो फर्स्ट हाफ पीरियड था, इस दौरान पूरे यूरोप में आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़नी शुरू हुई। इन मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज द सप्लाई ऑफ वर्कर एक्सीडेड देन द डिमांड। यूरोप के ज़्यादातर देशों में मजदूरों की संख्या डिमांड से ज़्यादा हो गई। द कंडीशन वॉज ऑल्सो नॉट वेरी गुड इन कंट्री साइड। और गांव के अंदर जो हालात थे वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज टू लिव इन क्राउडेड स्लम्स। तो जो लोग गांव में रहा करते थे, उन्होंने गांव छोड़कर शहरों में जाना शुरू कर दिया, जहां पर वे घनी आबादी वाले स्लम्स में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर थे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन फेस स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। शहरों में जो उत्पादनकर्ता थे, उन्हें कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा था उस माल से जो मशीनों में बनता था और बहुत सस्ता हुआ करता था। ये माल खास तौर से इंग्लैंड से इन देशों में भेजा जा रहा था। वह इंडस्ट्रियलाइजेशन हैड टेकन प्लेस मच अर्लियर दैन इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण यूरोप के बाकी हिस्सों के मुकाबले बहुत पहले शुरू हो चुका था। द टेक्सटाइल प्रोडक्शन सफर्ड द मोस्ट एज इट वॉज कैरिड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्सली मैकेनाइज्ड। सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा वो कपड़ा उद्योग को था, क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा बनाने का काम वो घरों में किया जाता था या छोटे मोटे कारखानों में, और कपड़ा बनाने का काम बहुत ही कम मैकेनाइज था, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल कपड़ा बनाने में बहुत कम किया जाता था। ज़्यादातर काम हाथों से किया जाता था। इन दोस रीजन ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर पीसेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। और यूरोप का वो हिस्सा जहाँ आज भी एरिस्टोक्रेसी निरंकुश शासन था, सत्ता में था, वहाँ पर जो किसान थे वो फ्यूडल ड्यूज और दूसरे ड्यूज के तहत परेशान थे, कर्जों में दबे हुए थे। द राइस ऑफ फूड प्राइस और ए ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिवॉल्ट इन टाउन्स एंड थ्रू आउट द कंट्री। खाने पीने की चीज़ों में, खाने पीने की जो चीज़ें थी उनके दाम का बढ़ना और साल दर साल जो पैदावार खेतों में हो रही थी वो कम होना, ये मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से बहुत सारी आंदोलन और क्रांतियां शहरों में और देशों में देखने को मिली। पेरिस रिवॉल्ट। द पेरिस रिवॉल्ट ऑकर्ड इन द ईयर 1848। पेरिस में जो विद्रोह देखने को मिला वो हुआ 1848 में। फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। खाने की कमी और बेरोजगारी, इन दोनों समस्याओं की वजह से पेरिस में जो आबादी है, जो लोग रहा करते थे, वो सड़कों पर आ गए। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड देन मोनार्क लुईस फिलिपी वाज फोर्स्ड टू फ्ली। बैरिकेड्स बनाए गए ताकि जनता को रोका जा सके, लेकिन हालात बिगड़ते गए और जो राजा था लुईस फिलिपी, उसे अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर भागना पड़ा। द नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 एंड गारंटीड द राइट टू वर्क। लुईस फिलिपी के देश छोड़कर भागने के बाद नेशनल असेंबली ने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया और गणतंत्र देश स्थापित कर लिया। इसके अलावा जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर थी, उन सबको वोट देने का अधिकार दिया गया।
इसके अलावा राइट टू वर्क की भी गारंटी दी गई। नेशनल वर्कशॉप टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वेर ऑल्सो सेटअप। राष्ट्रीय कारखानों की स्थापना की गई ताकि लोगों को रोजगार दिया जा सके। रिवॉर्ड्स ऑफ वीवर इन सिलिसिया। द सिलिसियन वीवर्स अपराइजिंग ऑफ 1845 वॉज ए स्पॉन्टेनियस रिवॉल्ट ऑफ पीसेंट वीवर विच वॉज सब्सिक्वेंटली ज्वाइंड बाई द ब्रॉड पीसेंट मासेस। 1845 में सिलिसिया में जो ये बुनकरों द्वारा विद्रोह किया गया, ये खास तौर से ऐसे बुनकरों द्वारा शुरू किया गया जो बुनाई का काम करते थे और खेती बाड़ी भी करते थे, लेकिन देखते देखते बड़े पैमाने पर इसमें जो दूसरे किसान थे वो भी शामिल होने लगे। इट टुक प्लेस इन जून इन द माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिलिसिया। ये विद्रोह जून में हुआ और सिलिसिया में एक माउंटेनियस डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर यह घटना घटी, विच एट द टाइम बिलोंग टू पर्सिया। उस समय ये हिस्सा पर्शिया के अंडर में था। द अपराइजिंग विच बिगेन इन मार्च डेवलप इन टू ए स्ट्रगल अगेंस्ट द पर्शियन फ्यूडल सेल्फ सिस्टम। ये जो विद्रोह यहाँ पर शुरू हुआ मार्च में, ये पर्शियन फ्यूडल सेल्फ सिस्टम के विरोध में था एंड इन्वॉल्व ऑलमोस्ट 20,000 पीपल, और इस विद्रोह में लगभग 20,000 लोग शामिल थे। इट वॉज ब्रूटली सप्रेस्ड बाई पर्शियन ट्रूप। इस विद्रोह को पर्शियन सैनिकों द्वारा बड़ी निर्ममता के साथ दबा दिया गया। द इमीडिएट कॉज ऑफ द अपराइजिंग ऑफ द सिलिसियन वीवर हु वर सब्जेक्ट टू ड्यूअल एक्सप्लोइटेशन। इस विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो सिलिसिया में जो बुनाई का काम करते थे, वीवर्स थे, बुनकर थे, उन पर जो उनका जो दोहरा शोषण किया जा रहा था वो मुख्य कारण था, बाय द कैपिटलिस्ट एंड बाय द लैंडलॉर्ड्स। तो इनका शोषण करने में पूंजीपति और जो लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जमींदार थे, ये दोनों लोग शामिल थे। वॉज ए शार्प कट इन द वेजेस पेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्रेनर्स हु डिस्ट्रीब्यूटेड यार्न फॉर प्रोसेसिंग। इन बुनकरों को कपड़ा बनाने के लिए जो एंटरप्रेनर्स, जो उद्योगपति इनको यान दिया करते थे और उसके बदले इनको जो मेहनताना या मजदूरी मिलती थी उसमें कमी की जाने लगी। द सिचुएशन ऑफ द वीवर बिकम स्टिल मोर डेस्परेट एज ए रिजल्ट ऑफ सीरीज ऑफ बैड हार्वेस्ट ईयर। तो इनकी जो स्थिति है बुनकरों की वो और भी ज़्यादा बदतर होती गई, क्योंकि साल दर साल जो पैदावार खेतों में हो रही थी वो भी अच्छी नहीं हो रही थी। ऑन 4 जून एट 2 PM ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर अमर्ज फ्रॉम देयर होम्स एंड मार्च इन टू पेरिस अप टू द मैंशन ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टर डिमांडिंग हायर वेजेस। तो 4 जून को लगभग 2 बजे काफ़ी संख्या में जो बुनकर थे वो अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने सफ़र शुरू किया, मार्च निकाला, और जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके सामने अपनी वेजेस बढ़ाने की मांग रखने लगे। दे वर ट्रीटेड विथ स्कॉर्न एंड थ्रेट्स अल्टरनेटली। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर हैं, एंटरप्रीनर्स हैं, वो उनको डराया धमकाया करते थे। फॉलोइंग दिस ए ग्रुप ऑफ देम टर्न्ड वायलेंट। तो जब इन्होंने मांग रखी कि भाई इनको पैसा ज़्यादा मिले और उसके बदले इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया, तो इसमें से कुछ जन वायलेंट हो गए, हिंसक हो गए। द कॉन्ट्रैक्टर कॉल्ड द आर्मी आउट एंड इन एक्सचेंज ऑफ फायर डेट फॉलोड एंड 11 वीवर्स वर शॉट। तो जो मैन्युफैक्चरर्स थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्होंने हालात को बिगड़ते देखकर सेना को बुला लिया और यहाँ पर सेना के आने के बाद फायरिंग हुई और उस फायरिंग में लगभग 11 बुनकरों की जान चली गई। वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्दर इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टिल देन स्टे कनेक्टेड, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।